हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स पर। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है रेलवे की तरफ से कि जल्द ही असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की वैकेंसीज अनाउंस की जा सकती हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। और एक छोटी सी नोटिस हमें प्राप्त हुई है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नोटिस छोटी सी जारी की गई है टिकट कलेक्टर की पोस्ट के लिए, गुड गार्ड्स के लिए और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए। और ओपनिंग डेट यहां पर बताई जा रही है 4 अप्रैल से शुरू होगा और आखिरी डेट सबमिशन की 6/5/2018 होगी। इस तरह की बात यहां पर की गई है। और बैंक चालान, पोस्ट ऑफिस चालान से ये फीस भरी जाएगी, इस तरह की बात यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि फॉर्म फिलअप करने की अगर बात की जा रही है 4 तारीख से, तो जाहिर सी बात है हम लोग 3 तारीख तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर सकते हैं। उसमें क्या क्या वैकेंसीज होंगी, अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी होंगी, क्या आरआरबी बोर्ड अलग होगा या नहीं होगा, क्या प्रक्रिया होगी, कुल मिलाकर उसमें हमें पता चलेगा। कुल मिलाकर अभी के लिए बात यह है कि अभी हम इतना कंफर्म कर सकते हैं कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और टीसी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसकी हमें प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। और रेलवे भर्ती बोर्ड ने काफ़ी वैकेंसीज निकाली, अगर एएलपी की बात कर लें, ग्रुप डी की बात कर लें, अगर ये भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में होगी तो कह सकते हैं कि इस साल जो भी लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इस साल अपनी नौकरी हासिल करने के लिए। दोस्तों, जैसे ही अगला अपडेट मिलता है इस नोटिफिकेशन के बारे में, हमारे चैनल के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।